हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस आज़ादी की खुशी में मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, मकैन की रेसिपी, होममेड मकैन की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को एंड तक वॉच करें और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के और छोटे साइज़ के मिला करके मैंने 5 आलू को बॉयल करके ले लिया है। इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे या आप इसे मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो सारे आलू को हम इस तरह से मैश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी से चटपटे से हमें बनाना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है या बच्चों के लिए बना रहे तो स्किप कर दें। थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला है और बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला ले लें, नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर मैंने चावल का आटा 3 टेबल स्पून डाला है और कॉर्नफ्लावर जो है मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून, दोनों की क्वांटिटी सेम रखी है मैंने। अगर आपको लगे कि यहाँ पे कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत है तो 1 से 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड कर लें और इसे हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा और इसे हम अच्छे से कम 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट में रख देंगे। उसके बाद जो है इसके पेड़े बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पेड़े बना लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा तेल हाथ में लेकर के पेड़े के ऊपर लगा देंगे और अब हम इसे बेल लेंगे मकैन बनाने के लिए। तो इसे अच्छे से हम फ्लैट कर देंगे, बेल लेंगे और इसे आप जितना पतला बेलेंगे उतना ही क्रिस्पी बनेगी ये, और अगर थिक रखेंगे थोड़ी सी सॉफ्ट बनेगी। तो इसे अच्छे से बेलने के बाद हम इसे घर के कोई भी छोटे से डब्बे की जो ढक्कन होती है उससे हम इसे काट लेंगे, शेप इसके बना लेंगे अच्छे से। तो अगर आपको क्रिस्पी पसंद हो तो आप इसे पतला बेल लें और सॉफ्ट पसंद हो तो इसे थोड़ी सी थिक बना लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला बेल लेना है तो सूखा आटा लगा करके इसे बेल लें। मैंने मकैन को थोड़ा सा थिक रखा है क्योंकि मेरा बेटा क्रिस्पी वाली जो मकैन होती है नहीं खाता है, थोड़ी सी सॉफ्ट बनने से वो खा लेता है। लेकिन आप इसे पतली ही बेलें और क्रिस्पी बनाएँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हम डिज़ाइन बना देंगे। तो इसमें जो है डिज़ाइन देख के बच्चे जो है खुशी से शौक से खाते हैं। और अगर आप बिना आटा का बेल रहे हैं तो इसमें जो है अगर आपको निकालने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही हो तो इस तरह से चाकू ले लें और चाकू के हेल्प से इसे निकाल लें तो बहुत इजी निकल जाता है ये। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और बच्चों को खिलाएँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरे कहने पर एक बार बच्चों को ज़रूर खिलाएँ। तो देख सकते हैं कि इसमें हम सूखा आटा लगा के भी आपको बेल कर दिखा रहे हैं। आटा लगा के इसे बेलने से जो रोटी है बहुत जल्दी फ्लैट हो जाती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये चकले में जो है बिल्कुल भी नहीं चपकती है। तो टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आता है। तो बस आप इसे आटे लगा कर भी बेल सकते हैं और अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो बिना आटे के भी इसे बेल सकते हैं। तो इसे पतला हमें बेल लेना है। ये जो है हमारी जो मकैन बनेगी बिल्कुल पतली और क्रिस्पी बनेगी। तो जिसको क्रिस्पी पसंद है तो बिल्कुल पतला बेल ले और जिसे सॉफ्ट खानी है थोड़ा सा थिक रख ले। तो सारे मकैन हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, अब हमें फ्राई कर लेना है। तो तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, आप मीडियम फ्लेम में इसे गरम कर लें और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लें। तो मकैन को डालने के बाद इसे हमें लगभग 2 मिनट तक छूना नहीं है, 1 से 2 मिनट। आपको लगे कि ये पलटने के लायक हो गई है तभी इसे आप चम्मच की हेल्प से इसे पलट लें, उससे पहले इसे टच नहीं करें, नहीं तो जो मकैन है आपके चम्मच में चपक जाएगी और वो ख़राब हो जाएगी। तो अब जो है मैंने 2 मिनट के बाद इसे पलट लिया है। तो इसमें देख सकते हैं कि कलर इसमें कितना खूबसूरत आया है, कितना प्यारा सा कलर आया है, इसका लुक कितना खूबसूरत आया है। तो इस रेसिपी को आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके बच्चों को कैसी लगी ये रेसिपी। अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दिल दें, टेक केयर, बाय बाय।